आज हम खुद को बना लेते हैं, और खुद को बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो है, आप एक प्लेट ले सकते हो, राउंड शेप की, जो छोटी प्लेट्स होती है। प्लेट नहीं हो तो कार्डबोर्ड का सर्कल काट सकते हैं, किसी पेपर का सर्कल काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्लू चाहिए चिपकाने के लिए, क्रेयॉन्स चाहिए आईज बनाने के लिए या स्माइल बनाने के लिए, और कुछ वेस्ट पेपर्स चाहिए हमको बाल बनाने के लिए। हम इनसे आंख भी बना सकते हैं, नोज भी बना सकते हैं, स्माइल भी बना सकते हैं, बाल भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो आईज, नोज और स्माइल क्रेयॉन्स यूज करके बना सकते हैं। तो आप पर है, आप क्या चीज यूज करना चाहते हो। आईज के लिए आप गुगली आईज भी लगा सकते हो, और किसी पेपर को टियर करके, गोल को टियर करके वो भी लगा सकते हो। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो जैसे आप खुद को बनाना चाहते हो। मैंने अपनी आईज गुगली आईज लगा के बनाई है क्योंकि मुझे गुगली आईज पसंद है। और आप नोज चाहो तो पेपर को किसी भी शेप में टियर करके लगा सकते हो। ये थोड़ा सा समोसे जैसा शेप है। आप चाहो तो थोड़ा लंबा शेप काट के लगा सकते हो, या थोड़ा सा आप रोटी जैसा शेप भी काट के लगा सकते हो। कैसी भी नोज बना सकते हो, आपकी नोज है जैसे आपको चाहे पसंद हो वैसे बना लो। और पता है हम तो एक तरीके से और बना सकते हैं नोज, और वो है पेपर लिया थोड़ा सा और उसको मैं क्रश करके भी हम अपनी नोज बना सकते हैं। तो आपको जो भी तरीका पसंद हो आप वो यूज करके अपनी नोज बना सकते हो। मैं पेपर को फाड़ के बनाती हूँ, मुझे वो ज्यादा मजेदार लग रही है। अब मैं अपनी स्माइल क्रेयॉन से बनाती हूँ, मेरी बिग स्माइल, बिग 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 स्माइल, स्माइल, स्माइल। तो हमारी आईज हो गई, नोज हो गई, स्माइल हो गई। आप बच्चे हमारे इयर्स और हमारे बाल। क्या हम अपने इयर्स पेपर फाड़ के लगा सकते हैं? मजेदार लग रहा है ये तो। अरे मेरा तो एक कान बड़ा और छोटा हो गया, चलो दोनों को बराबर कर देते हैं, बराबर हो। अब मैं अपने कान लगा सकती हूँ। अगर आप छोटे बाल बना रहे हैं तो आप कान लगा सकते हो, अगर आप लंबे बाल बना रहे हो तो आप कान नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। अब बाल बनाने के लिए आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, मैगजीन का ले सकते हैं, न्यूज़पेपर ले सकते हैं, कोई और ले सकते हैं। मेरे पास एक वाइट पेपर रखा था तो मैं इसको यूज कर रही हूँ। अब इसको हम दोनों हाथ से पकड़ेंगे और एक हाथ से उसको ऐसे फाड़ते जाएंगे। अब आप लंबे बाल भी बना सकते हो और छोटे बाल भी बना सकते हो। अगर आपको छोटे बाल बना रहे हैं तो आपने ऐसे छोटे छोटे काट लिए और आप उसको यहाँ पे सब जगह लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे। अब अगर आपको लंबे बाल बनाने हैं तो आप लंबे लंबे काट के और उसको ऐसे चिपका सकते हैं, पीछे से लंबे हो जाएंगे और आप ऐसे पूरे यहाँ पे चिपका सकते हैं। मैं लंबे बाल बना रही हूँ तो मैं ऐसे करके खूब सारे लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लूंगी और उनको इस तरह से चिपकाऊंगी। आप चाहे तो पीछे से भी पूरा चिपका सकते हैं ताकि ये उड़े नहीं। और ये मैं बन गई। मैंने यहाँ पे लंबे लंबे बाल लगाए हैं अपने। आप चाहें तो इन बालों को आप यहाँ पे स्टिक कर सकते हो और चाहो तो ऐसे खुला भी छोड़ सकते हो।